राइट फ्रेंड्स, नाउ आपको बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवन एंड क्वेश्चन बुक में पेज नंबर टेन एंड क्वेश्चन नंबर सेवन सॉल्यूशन बुक में है 2.7। क्वेश्चन नंबर सेवन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दो बार तीन बार एग्जाम में पूछा हुआ है, दो बार मैंने ये सीट में लिया है आपके में। मिस्टर ए इज वर्किंग बाय एम्प्लॉइंग 10 स्किल्ड वर्कर्स। कितने वर्कर्स हैं उसके पास? 10, और वो भी कौन से हैं? स्किल्ड वर्कर्स। ये 10 स्किल्ड वर्कर्स उसके पास हैं। दिस इज ऑल गिवन टू यू। ही इज कंसिडरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ सम स्कीम इंसेंटिव, इधर हाल से स्कीम विद 50% बोनस और रोबन स्कीम विद अ वेज पेमेंट ऑफ इंक्रीजिंग द लेबर प्रोडक्टिविटी कोप अप विद द इंक्रीज्ड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट बाय 25%। He feels that if the proposed incentive scheme could bring out about 20% increase in over the present earning of workers, it could act as sufficient incentive for them to produce more, and he has accordingly given the assurance to the workers. As a result of this assurance, the increase in productivity has been observed as revealed by the following figure for the current month. Hourly rate of wages guaranteed is 2 rupees. Average time for producing one piece by one worker at the previous performance is 2 hours. This may be taken as a time allowed. Number of working days 25. Number of working hours per day for each worker 8. Actual production during the month is 1250. Calculate the effective rate of earning as per Halsey and as per Rowan. हालसे रोवन के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? हालसे रोवन के लिए सबसे पास आपके पास होना चाहिए स्टैंडर्ड टाइम, देन एक्चुअल टाइम, देन टाइम सेव्ड। ये तीन चीजें होंगी तो ही आप निकाल पाएंगे। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग अंडर हालसे स्कीम एंड अंडर रोवन स्कीम। हालसे और रोवन स्कीम के हिसाब से आपको क्या होना चाहिए? हालसे एंड रोवन स्कीम के हिसाब से आपको ये है। तो अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, सबसे पहले दिस इज योर गिवन आप देख लीजिए फ्रेंड्स। सबसे पहले स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम अलाउड? आपका एक्चुअल प्रोडक्शन है 1250 एंड बाय वन वर्कर एट द प्रीवियस परफॉर्मेंस 2 आवर्स इज गिवन। इट मींस 1250 यूनिट्स इनटू 2 आवर्स पर यूनिट, इट मींस टोटल टाइम अलाउड इज 2500 आवर्स। पहले बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। Now, what is the actual time taken? हमारे पास कितने वर्कर्स हैं? टेन स्किल्ड वर्कर्स, 25 days इंटू 8 आवर्स, दिस कम्स टू 2000 आवर्स। वॉट इज द टाइम सेव्ड? टाइम सेव्ड इज 500 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड 2500। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग अंडर हालसे स्कीम एंड अंडर रोवन स्कीम। देखो उसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। पहले स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए हमारे पास, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन इज गिवन 1250, एक यूनिट को बनाने में 2 आवर्स। एक्चुअल टाइम हमारे पास क्या है?
10 वर्कर्स 25 डेज 8 आवर्स 2000 एंड हमारा टाइम सेव्ड हो जाएगा 500। नाउ इसके अंदर आपका आएगा बोनस आवर्स एच पर हाल से 50% ऑफ 500 इट मींस 250 आवर्स और एच पर रोवन 2000 डिवाइडेड बाय 2500 इनटू 500 एंड दिस कम्स टू 400 आवर्स। यहां तक आपको क्लियर हुआ इसमें 250 व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम व्हाट इज द एक्चुअल टाइम व्हाट इज द टाइम सेव व्हाट इज द बोनस हाल से एंड रोवन। नाउ इसके बेस पे हम लोग आराम से कर सकते हैं दिस इज योर आंसर नंबर वन। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग इट मींस स्टेटमेंट शोइंग स्टेटमेंट शोइंग इफेक्टिव स्टेटमेंट शोइंग इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग। मेथड्स हाल से रोवन एक्चुअल आवर्स प्लस बोनस आवर्स इनटू रेट यू विल गेट वेजेस डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स तो इफेक्टिव रेट पर आवर क्या आ जाएगा आपको इफेक्टिव रेट पर आवर। सही है सुनो एक्चुअल आवर्स प्लस बोनस आवर्स रेट पर आवर आपको वेजेज मिलेगा उसको एक्चुअल आवर्स से डिवाइड करो इफेक्टिव हाल से में क्या दे रखा है 2000 एंड 2000 बोनस आवर्स 250 एंड 400 इनटू रेट पर आवर व्हाट इज द रेट पर आवर इज 2 रुपीस इट मींस 2250 इनटू 2 4500 2400 इंटू 2 4800 डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स 2000 रेट पर आवर 4500 डिवाइडेड बाय 2000 2.25 एंड 4800 डिवाइडेड बाय 2000 इज 2.4। सही आंसर परफेक्टली क्लियर हो रहा ये आपका हो गया आंसर नंबर वन हाल से रोवन ये आपके एक्चुअल आवर्स ये आपके बोनस आवर्स इनटू रेट पर आवर ये आपका वेजेस डिवाइडेड बाय आवर्स एक्चुअल आवर्स आपका रेट पर आवर मेथड्स आपका एक्चुअल आवर्स बोनस आवर्स रेट पर आवर वेजेस एक्चुअल आवर्स एंड दिस इज योर इफेक्टिव रेट पर आवर व्हाट इज द इफेक्टिव रेट पर आवर 2.5 व्हाट इज द इफेक्टिव रेट पर आवर इज 2.4। सही है सुनो परफेक्टली क्लियर होना। कैलकुलेट द अर्निंग टू जेड लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेट द सेविंग आंसर नंबर टू कैलकुलेट द सेविंग टू जेड लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस। इसका मतलब पहले आपको पर पीस क्या कॉस्ट आ रहा था अब आपको पर पीस क्या कॉस्ट आएगा एंड व्हाट इज योर सेविंग्स वो आपको निकालना है। ओके
आप जरा देखिए, दिस इज योर आंसर नंबर टू. कैलकुलेट द सेविंग टू जेड लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस. इट मींस स्टेटमेंट शोइंग सेविंग पर पीस. सेविंग पर पीस हाल से एंड रोवन. व्हाट इज योर प्रेजेंट कॉस्ट पर पीस? प्रेजेंट कॉस्ट पर पीस इज, अपने को कितने आवर्स लग रहे थे एट प्रेजेंट? टू आवर्स. और हम लोग क्या पे कर रहे थे? टू रुपीज पर आवर. इट मींस प्रेजेंट पीस पर क्या हो जाएगा हमारा? फोर एंड फोर. देन व्हाट इज द प्रपोज्ड कॉस्ट पर पीस? प्रपोज्ड कॉस्ट पर पीस, इट मींस हम लोगों ने कितना पे किया है? हालसे को पे किया है, कितना पे किया है? 4500 and 4800. उसके अंदर मेरी कितनी यूनिट्स बन रही हैं? 1250 is 3.6. 4800 1250 is 3.84. 4 less 3.6 is 0.4 4 less 3.84 is 0.16. हाल से एंड रोवन. सही है सुनो, क्या बोल रहा है अपने से? देखो जरा क्वेश्चन को, सिमिलर टाइप एक क्वेश्चन और आपको कराता हूं तो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. कैलकुलेट द सेविंग टू जेड लिमिटेड. कैलकुलेट द सेविंग टू जेड लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस. इट मींस एट प्रेजेंट हमारा कॉस्ट क्या आ रहा है पर पीस? 4 and 4. देन प्रपोज्ड कॉस्ट. प्रपोज्ड कॉस्ट मींस हालसे को हम लोग पे कर रहे हैं और वो कितने यूनिट्स बना रहा है? रोवन को पे कर रहे हैं, कितने यूनिट्स बना रहा है? 3.6 3.84. पहले आ रहा था 4 3.6, इट मींस सेविंग 40 पैसे. 4 and this, इट मींस सेविंग. इसका मतलब अब वो क्या बोल रहा है? एडवाइस जेड लिमिटेड अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द स्कीम टू फुलफिल इज एश्योरेंस. इसका मतलब ये तो क्या सेलेक्ट करेगा कि भाई हालसे से पे करो तो अपने को क्या हो रहा है? सेविंग 40 पैसे पर यूनिट हो रही है. लेकिन आपको एश्योरेंस पार्ट भी देखना पड़ेगा. आपने एश्योर्ड किया है ना कि भाई मैं आपको कितने परसेंट बढ़ा के दूंगा? 20% बढ़ा के दूंगा ना. देखो जरा क्या बोला है आपने, मिस्टर ए इज वर्किंग बाई एम्प्लॉइंग 10 स्किल्ड वर्कर्स. ही इज कंसिडरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ सम स्कीम इंसेंटिव, ईदर हालसे स्कीम विथ 50% ऑफ बोनस और रोवन ऑफ वेज पेमेंट फॉर इंक्रीजिंग द लेबर प्रोडक्टिविटी टू कोप अप विद द इंक्रीज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट बाई 25%. ही फील्स दैट इफ द प्रपोज इंसेंटिव स्कीम कुड ब्रिंग अबाउट एन एवरेज 20% इंक्रीज ओवर द प्रेजेंट अर्निंग. उसको आपको ये भी तो देखना है, ये तो 40 पैसे आपको सेविंग हो रहा है, आप बोलोगे चलो हालसे से दे दो, लेकिन आपको ये भी चेक करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक करते हैं. मैंने जितने भी पेपर चेक किए हैं उसमें सब जगह यही प्रॉब्लम आता है. बच्चे लोग ने ये पॉइंट तो देखा ही नहीं है, बच्चे लोग ने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया. बोलते सेविंग अपने को आ गया हालसे में, हालसे दे दो. नहीं, अपने को ये भी देखना है कि 20% उसको बढ़ा के मिल रहा है कि नहीं. तो देखो कैसे करेंगे. इट मींस देखो, दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग
प्रपोज्ड अर्निंग, प्रपोज्ड अर्निंग, व्हाट इज द प्रेजेंट अर्निंग, प्रेजेंट अर्निंग, इट मींस 10 वर्कर्स 25 डेज इंटू 8 आवर्स इंटू 2, 10 वर्कर्स 25 डेज इंटू 8 आवर्स इंटू 2 इज 4000, देन इंक्रीज बाय 20%, इट मींस 800 एंड टोटल 4800. अब देखो आपको कहां पे 4800 आ रहा है, 4800 आपका आ रहा है रोवन के अंदर, आपको हाल से में सेविंग हो रहा है. यहां पे बच्चे लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, जितने भी मैंने पेपर चेक किए हैं वहां पे यही मिस्टेक आती है करके, जितने भी मैंने पेपर चेक किए हैं सब जगह यही मिस्टेक आती है. बच्चे लोग बोलते हैं 40 पैसे हो गया, ज्यादा सेविंग हो रहा है हाल से. अरे हाल से तो दे देंगे, लेकिन हाल से उसको पेमेंट कितना मिलेगा 4500, जबकि हमको पेमेंट उसको कितना करना है मिनिमम 4800. तो देखो कंक्लूजन में मैंने लिखा है सॉल्यूशन बुक पे 2.8, पेज 2.8 सॉल्यूशन बुक पे देखो जरा, पेज 2.8 सॉल्यूशन बुक पे देखो, द अबव एनालिसिस क्लियरली शोज दैट द सेविंग पर यूनिट एज पर हाल से, द अबव एनालिसिस क्लियरली शोज दैट द सेविंग पर यूनिट एज पर हाल से इज मोर देन द रोवन, द अबव एनालिसिस क्लियरली शोज दैट द सेविंग पर यूनिट एज पर हाल से इज मोर देन द रोवन, बट वी हैव टू सी द एश्योरेंस पार्ट ऑल्सो, सो वी हैव टू पे, वी हैव टू मेक द पेमेंट अकॉर्डिंग टू द रोवन, क्योंकि रोवन में अपने को पेमेंट आ रहा है 4800 का, यहाँ पे तो खाली कितना आ रहा है 4500. तो आप अपने सेविंग के, बच्चे लोग यही मिस्टेक करते हैं, जब मैं पेपर चेक करता हूं मुझे पता चलता है यार ये क्या मिस्टेक हो गया करके. तो ये पार्ट आप बहुत ध्यान से समझिए करके, आर यू फॉलोइंग नॉट फ्रेंड्स, ऑलराइट प्रॉपर. चलो अब एग्जैक्टली सिमिलर टाइप आपको और एक क्वेश्चन कराता हूं, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, राइट. यू रेफर क्वेश्चन नंबर 8, सेम स्टेप्स पे, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 10 फ्रॉम क्वेश्चन बुक, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, रिपीट ही करना है अपने को, ओके. एंड क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 2.8 है एंड दिस इज फ्रॉम सॉल्यूशन बुक. सही है सोना फ्रेंड्स, देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर एट आप जरा देखिए फ्रेंड. जेड लिमिटेड इज वर्किंग बाय एम्प्लॉइंग 50 स्किल्ड वर्कर्स, जेड लिमिटेड इज वर्किंग बाय एम्प्लॉइंग 50 स्किल्ड वर्कर, इट इज कंसीडर्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेंटिव स्कीम, इधर हाल से स्कीम विथ 50% बोनस और रोवन स्कीम with wage payment of increasing labor productivity to go up the increasing demand for the product by 40%. It is believed that the proposed incentive scheme could bring about on an average 20% increase. ये जरा ध्यान रखना, जिस भी method को आप apply करते हो, worker का जो present earning है, productivity to go up the increased demand by product by 40%, it is believed that the proposed incentive scheme could bring about an average 20% increase over the present earning. जो भी आपका present earning है worker का, जो भी worker का present earning है उसमें 20% incentive होना चाहिए. It could act as a sufficient incentive for them to produce more. Because of assurance, the increase in productivity has been observed as revealed by figure for the month of April 2016. Hourly rate of wages 30 guaranteed. Average time for producing one unit, one worker at the previous performance is 1.975. This may be taken as a time allowed. वो clearly बोला है. Number of worker
वर्किंग डेज इन ए मंथ 24, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे फॉर ईच वर्कर 8 एंड एक्चुअल प्रोडक्शन इज 6120. कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग अंडर हालसे एंड द रोवन. पहले वही गिवन, देखो कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग, इट मींस दिस इज योर गिवन, दिस इज योर स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, इट मींस कितने यूनिट्स हैं आपके 6120 यूनिट्स इनटू 1.975, 6120 इनटू 1.975 इज 12,087 आवर्स, जबकि एक्चुअल आवर्स है हमारे पास एग्जैक्टली सेम समय, एक्चुअल आवर्स है हमारे पास 24 डेज इंटू 8 आवर्स इंटू 50 वर्कर्स. देखो जरा 50 वर्कर्स है हमारे पास फ्रेंड्स. देखो जरा स्टार्टिंग में दे रखा है ना, जेड लिमिटेड इज वर्किंग बाय एम्प्लॉइंग 50 वर्कर्स. ओके 24 डेज है हमारे पास और 8 आवर्स है. 24 इंटू 8 इंटू 50 इज 9600. देन टाइम सेव 12,087 2487. सही है, सुनो फ्रेंड्स. कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग अंडर हालसे एंड अंडर रोवन, इट मींस स्टेटमेंट शोइंग इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पहला मेथड एक्चुअल आवर्स प्लस बोनस आर्स इंटू रेट पर आर इक्वल टू वेजेस डिवाइडेड बाय एक्चुअल आर्स. या पहले आप ये निकाल लीजिए ना, बोनस आर्स पहले निकाल लेते हैं. चलिए अपन बोनस आवर्स निकाल लेते हैं ना फ्रेंड्स. बोनस आवर्स हाल से रोहन 50% ऑफ 2487 इंटू 50% इज 1243.5 एंड 9600 टाइम टेकन 12,087 इंटू 2487 9600 डिवाइडेड बाई 12,087 2487 is 1975.28 1975.28 1975.28. सही है सुनो.
नहीं आपका क्या हो गया, दिस इज योर स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 6120 दिस, एक्चुअल आवर्स 9600 टाइम सेव्ड दिस, बोनस आवर्स 50% ऑफ 2487143 एंड दिस इज योर। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, पहला क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग अंडर द हालसे स्कीम एंड रो वन स्कीम, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग अंडर द हालसे एंड रोवेन। ओके, इट मीन्स कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग, इट मीन्स देखो फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे, इट मीन्स स्टेटमेंट स्टेटमेंट शोइंग इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग, स्टेटमेंट शोइंग इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग, इट मीन्स हालसे रोवन एक्चुअल आर्स बोनस आर्स रेट वेजेस डिवाइडेड बाई एक्चुअल आर्स इफेक्टिव रेट पर आर, व्हाट आर द एक्चुअल आर्स इज 9600 प्लस व्हाट आर द बोनस आर्स इज 1243.5 इंटू व्हाट इज द रेट 30 रुपीज पर आर, 30 रुपीज दे रखा ना फ्रेंड्स अपने को पर आर, एंड दिस इज 1975.28 इंटू 30 9600 1243.5 इंटू 30 325 305 9600 plus 1975.28 into 30 is 347258 and 325305 divided by actual hours 9600 means 325305 divided by 9600 is 33.88 347258 divided by 9600 is 36.17 36 सही है, ये आपको क्लियर हुआ कि एच पर हाल से एक्चुअल आर्स, ये आपके बोनस आर्स हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे, ये बोनस आर्स कैलकुलेट किए थे डिवाइडेड बाय इनटू रेट आपका टोटल वेजेज आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय दिस। अब ये क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, कैलकुलेट द सेविंग टू जेड लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस, इट मींस पहले दिस इज योर
आंसर नंबर टू, कैलकुलेट द सेविंग टू जेड लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस. इट मीन्स स्टेटमेंट शोइंग सेविंग पर पीस. एक आपका मेथड है रोवन. प्रेजेंट कॉस्ट पर पीस, प्रेजेंट कॉस्ट पर पीस. व्हाट इज द प्रेजेंट कॉस्ट पर पीस? इट मींस 1.975 आवर्स इनटू व्हाट इज द रेट पर आवर इज 30 रुपीस. 1.975 इनटू 30 इज 59.25 एंड 59.25. नाउ प्रपोज्ड कॉस्ट पर पीस, व्हाट इज द प्रपोज्ड कॉस्ट पर पीस? इज 325 345 347 248. इसमें हमारी यूनिट्स बनके तैयार हुई है, यूनिट्स बनके तैयार हुई हैं 6120 345 305 divided by 6120 is 53.15. 347258 divided by 6120 is 56.74. Then आपका आ जाएगा सेविंग पर पीस, सेविंग पर पीस 59.25 माइनस 53.15 इज 6.1 एंड 59.25 माइनस 56.74 इज 2.51. इट मीन्स अब देखो, अब अपन ऐसे डिसीजन लेना है तो हाल से लेंगे क्योंकि वहां पे सेविंग हो रहा है. लेकिन पॉइंट ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं करना. अपन को इसमें क्या देखना है, एडवाइस जेड लिमिटेड अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द स्कीम टू फुलफिल इज एश्योरेंस. एश्योरेंस पार्ट भी अपन को देखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब आपको ये देखना है 6.1 तो बराबर है लेकिन मेरा एश्योरेंस पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, इट मीन्स देखो जरा, इट मीन्स स्टेटमेंट शोइंग अर्निंग्स. Present earning, present earning कितने थे अपने पास फ्रेंड्स? 50 वर्कर्स 24 डेज इंटू 8 आवर्स इंटू 30 रुपीज पर आवर. इट मीन्स 50 इंटू 24 इंटू 8 इंटू 30 is 288,000.
50 × 24 × 8 × 30 = 288। देन बोनस जो 20% बढ़ा के देना है, 20% इज 288 का 20% इज 57,600 प्लस 288 3,456,600। क्या 3,456,600 आ रहा है हालसे में? नहीं, हालसे में आ रहा है 325, प्रोवन में आ रहा है 347। हमको पे कितना करना है? 345। और रोबन में कितना आ रहा है? रोबन में आ रहा है 347,258। तो हम लोग किससे पे करेंगे? वी विल पे अकॉर्डिंग टू द रोबन। तो मैंने क्या कंक्लूजन लिखा है फ्रेंड्स, देखो जरा कंक्लूजन। द अबव एनालिसिस क्लियरली शोज दैट The above analysis clearly shows that the saving per unit as per Halse is more than the Roven. But we have to see the assurance part also. So we have to make the payment according to the Roven. अपन को किस हिसाब से pay करना पड़ेगा? According to the Roven. Say yes or no, friends. हमको किस हिसाब से pay करना पड़ेगा? According to the Roven. Say yes or no, friends. We have to pay according to the Roven. सही है, परफेक्टली आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं? वी हैव टू पे अकॉर्डिंग टू द रोवेन। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब आप आ जाइए फ्रेंड्स थोड़े स्पेशल टाइप्स ऑफ बोनस, राइट? ये आपका मेथड वन था, इसको बोलते हैं पेमेंट बाय रिजल्ट, प्रीमियम बोनस मेथड हम लोगों ने किया। दिस इज बोनस का एक मेथड था, प्रीमियम बोनस, राइट? इसको बोलते हैं पेमेंट बाय रिजल्ट। हालसे रोवन, एक बार रिवाइज करिए, हालसे में क्या होता था? 50% ऑफ टाइम सेव। हालसे में क्या होता था? 50% ऑफ टाइम सेव। रोवन में क्या होता था? रोवन में क्या होता था? टाइम टेकन टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव। ओके, अब आपको जनरल मेथड ऑफ बोनस लेके चल रहा हूं। जनरल मेथड मींस अपने हिसाब से कंपनी कुछ स्पेसिफाई नहीं करेगी, अपने हिसाब से वो लोग डिसाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 एंड पेज नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्वेश्चन बुक में है, क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 11। सॉल्यूशन बुक में क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 2.9। What will be the earning of a worker at the rate of 2.25 per hour when he takes 130 hours to do a work for which the standard time allowed is 200? He is entitled to bonus for the time saved of the scale as follows. Within the first 10% of the saving in standard time, bonus 30% of the time saved. Within the second 10% of saving in standard time, bonus 40% of the time saved. Within the third 10% saving in standard time, 50% of the time saved. Within the fourth 10% saving in standard time, 60% of time saved, and rest 70% of the time saved. Say yes or no, friends. Okay, this is a general method. Dekho, aapko general method mein kya usne bola hai? What is the standard time? स्टैंडर्ड टाइम है आपका 200 आवर्स। एक्चुअल टाइम आपको दे रखा है 130 आवर्स। देन टाइम स्टैंडर्ड टाइम सेव्ड इज 70 आवर्स। आगे क्या बोल रहा है? स्केल अपने को दिए उसने 5 स्केल हैं। फर्स्ट
विद इन फर्स्ट 10% सेविंग इन स्टैंडर्ड टाइम, 10% सेविंग इन स्टैंडर्ड टाइम इट मीन्स 7 आवर्स। उसका बोनस मिलेगा 30%, इट मीन्स बोनस आवर्स हो जाएंगे 2.10। देन सेकेंड 10%, 10% ऑफ 70 इट मीन्स 7 आवर्स, और उसका क्या हो जाएगा 40% इट मीन्स 2.8। 10% ऑफ 70 इट मीन्स 7 का 50% इट मीन्स 3.5। देन 10% ऑफ 70 इज 7 और उसका 60% इज 4.2। एंड देन 10, 20, 30, 40, 60 बचा आपका ना, 10, 20, 30, 40, रेस्ट 60% ऑफ 70 इज 42। सही है सुनो फ्रेंड्स, 42 का 70% इज 29.4 आवर्स। सो बोनस आवर्स विल बी 2.10, 2.8, 3.5, 4.2 and 29.4. It means 2.10 plus 2.8 plus 3.5 plus 4.2 plus 29.4 is 42 hours. इसको वेजेस कितना मिल जाएगा फ्रेंड्स, इट मींस एक्चुअल आवर्स बोनस आवर्स रेट वेजेस। एक्चुअल आवर्स इज 130, 42 इंटू 2.25, 130, 42 इंटू 2.25 इज 387। आपको कितना हो जाएगा फ्रेंड्स बोलो, 387। परफेक्टली क्लियर होना, आप मुझे बताइए फ्रेंड्स क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, इज दिस क्लियर और नॉट। परफेक्टली क्लियर और नॉट बोलो। स्टैंडर्ड टाइम 200, एक्चुअल टाइम 130, ये 70, 10% ऑफ 70 7 आवर्स, 10% 77, 10% 77, 10% 77, 60% 42, 30% 2.1, 40% 2.8, 3.10, 4.2, 70% दिस। तो बोनस आर्स आपका ये हो जाएगा टोटल, ये आपके टोटल क्या हो जाएंगे बोनस आर्स एंड एक्चुअल आर्स, बोनस आर्स, रेट पर आर, वेजेस 130, 42, 2.25, 387। परफेक्टली क्लियर होना। ओके, एक आता है फ्रेंड्स आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप बोनस। देन ग्रुप बोनस, ये सब जनरल मेथड चल रहे हैं आपके ना बोनस के, जनरल मेथड। ग्रुप बोनस क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 आप जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 12 होम क्वेश्चन बुक, क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 12 फ्रॉम क्वेश्चन बुक, क्वेश्चन नंबर 10 एंड पेज नंबर 2.10
सॉल्यूशन बुक फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द ग्रुप बोनस पेबल इन ईच केस एंड द अमाउंट दैट विल बी पेड टू ईच मेंबर ऑफ ग्रुप स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन ए वीक इज 120 यूनिट्स इट इज एग्रीड दैट फॉर एवरी 10% इंक्रीज इन प्रोडक्शन हाँ फॉर एवरी 10% इंक्रीज इन प्रोडक्शन बोनस 5% ऑफ द टोटल वेजेज विल बी पेबल फॉर द वीक तो आपको 5% मिलेगा एवरी 10% पर ओके नॉट पार्ट देयर ऑफ हाँ पेबल विल बी पेड सेम विल बी हाँ इट इज एग्रीड दैट फॉर एवरी 10% इंक्रीज इन प्रोडक्शन बोनस ऑफ 5% ऑफ द टोटल वेजेस पेबल ऑफ द वीक विल बी पेड एंड द सेम विल बी शेयर्ड बाय द ग्रुप कंसिडरिंग 4 मेंबर्स इन प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वेजेस ठीक है टोटल प्रोडक्शन इज 145 अब देखो आपका दिस इज योर All right, friends. See, what is your standard production is 120 units. It means standard production is 120 units. What is your actual production? Actual production is 145 units. Okay. All right. It means increase in प्रोडक्शन इज 25 यूनिट्स ऐसे भी अपन कर सकते हैं बराबर इट मीन्स परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू 25 बाय 120 इंटू 100 ओके सो 25 बाय 120 into 100 is 20.83. Now you will get bonus for every 10%, 10%, and 0.83%. Total इतने से बड़ा है ना अपना bonus मिलेगा bonus 5%. 5% एंड लेफ्ट इट मीन्स टोटल बोनस अपने को मिलेगा 10% सही है सुनो 5% और इस पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा पार्ट देयर ऑफ के लिए कुछ भी नहीं है ठीक है ओके सो टोटल बोनस आपका हो जाएगा 10% सही है सुनो इज दिस क्लियर नोट स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आपका कितना था 120 यूनिट्स एक्चुअल प्रोडक्शन आपका 145 इंक्रीज इन प्रोडक्शन कितना हो गया 25 इंक्रीज इन प्रोडक्शन कितना हो गया तो परसेंटेज इंक्रीज 25 बाय 120 इनटू 100 एवरी 10% को मिलेगा 5% मींस तो ये 10 को 5% ये 10 को 5% और ये 0.83 को कुछ भी नहीं एंड टोटल बोनस आपको मिलेगा 10% टोटल बोनस आपको क्या मिल जाएगा इज ए 10% सही है सुनो फ्रेंड्स परफेक्टली क्लियर हो रहा टोटल बोनस आपको क्या मिल जाएगा इज ए 10% ओके अब आप आ जाइए दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग वेजेस देन बोनस एंड देन
टोटल वेजेस, ए बी सी डी एंड टोटल वेजेस, हाउ मच इज द वेजेस? 80, 78, 72, 69 बोनस, बोनस है आपका 10%। ओके, 8, 7.8, 7.2, 6.9 एंड दिस विल बी योर टोटल वेजेस। व्हाट इज द टोटल वेजेस? 80 प्लस 8, 88, 78 प्लस 7.8, 85.8, 72 प्लस 7.2, 79.2, 69 प्लस 6.9 इज 75.9, 88, 85.8, 79.2, 75.9, 328 टोटल। 80 प्लस 78 प्लस 72 प्लस 69 इज 299, 29.9, 29.9 is 328.9। यस, आपको परफेक्टली क्लियर हुआ कि सही है सर? प्रॉपर आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है बताइए, परफेक्टली क्लियर? ओके, एक और आप जरा देखिए, इस बार के आरटीपी में था, ये मई मई 22 के आरटीपी में था, सेम सम ना, मई 22 के आरटीपी में था, आरटीपी में सिमिलर टाइप सम था, सिमिलर टाइप सम था मई 22 के आरटीपी में। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11 एंड पेज नंबर 12, दिस इज फ्रॉम क्वेश्चन बुक, हमारी क्वेश्चन बुक से ही था आरटीपी में। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 12, क्वेश्चन बुक, क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 12 फ्रॉम क्वेश्चन बुक, एंड क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर, पेज नंबर 12.10 एंड फ्रॉम सॉल्यूशन बुक, सॉल्यूशन बुक। सही है सर, कैन यू रीड? देखिए जरा, कैलकुलेट द नॉर्मल एंड ओवरटाइम वेजेस पेबल टू वर्कमैन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डेज, मंडे 9 आवर्स वर्क, ट्यूसडे 10 आवर्स, वेनेसडे 9 आवर्स, थर्सडे 11 आवर्स, फ्राइडे 9 आवर्स, सैटरडे 5 आवर्स, टोटल 53 आवर्स। नॉर्मल वर्किंग आवर्स 8 आवर्स पर डे, नॉर्मल रेट 50 पैसे पर आवर, ओवर टाइम रेट अप टू 9 आवर्स इन ए डे एट सिंगल रेट, एंड ओवर नाइन आवर्स इन ए डे एट डबल द रेट, और अप टू 48 आवर्स इन ए वीक एट सिंगल रेट एंड अबव 48 एट डबल, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द वर्कमैन। ओवर टाइम रेट इज अप टू 9 आवर्स इन ए डे एट ए सिंगल रेट एंड ओवर नाइन आवर्स आपका ओवर नाइन आवर्स इन ए डे एट डबल द रेट, और अप टू 48 आवर्स इन ए वीक सिंगल रेट, और एंड ओवर 48 आवर्स एट डबल द रेट, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द। अब देखो, ओवर टाइम मिलेगा अप टू 9 आवर्स इन ए डे सिंगल रेट, मीन्स उसका वर्किंग है 8 आवर्स, राइट? नॉर्मल वर्किंग है 8। अभी किसी ने सपोज 9 आवर्स काम किया तो उसको सिंगल रेट से मिलेगा, और 10 किया तो 9 आवर्स तक सिंगल मिलेगा और उसके बाद उसको डबल मिलेगा, ठीक है? तो इट मीन्स, देखो कैसे करेंगे फ्रेंड्स,
इट मीन्स स्टेटमेंट शोइंग स्टेटमेंट शोइंग नॉर्मल वेजेस देन ओवरटाइम वेजेस एंड थर्ड टोटल वेजेस. This is your option one. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Normal overtime and total. सही है सुनो. अब मंडे उसने काम किया 9 hours, so 8 hours उसको पेमेंट मिलेगा, 1 hour इसको मिलेगा. एंड वॉट इज द रेट पर आर इज 0.5, 4 rupees ये मिलेगा और 50 paise, इट मीन्स 50 paise एंड टोटल उसको जाके मिलेगा 4.5. सही है सुनो. ट्यूजडे उसने 10 hours काम किया तो 8 into 0.5 4 rupees, 1 into 0.5 प्लस 1 into 2 into 0.5 इट मीन्स 1 rupee, 150 एंड 550. सही सुनो. देन वेनेसडे उसने काम किया है 9 hours, इट मीन्स 8 into 0.5 4 एंड 1 hour का क्या मिलेगा, 1 into 0.5 इज 0.5 एंड 4.5. थर्सडे 11 hours, इट मीन्स 8 into 0.5 4, 1 into 0.5 प्लस 2 into 2 into 0.5 2, 2.5, 2.5 and 4 6.5. फ्राइडे 8 into 0.5 इज 4 एंड 1 into 0.5 is 0.5, 4.5. Saturday 5 hours into 0.5 is 2.5, nil and 2.5. Total wages will be 22.5. Point five, 1.5, 2.5, 0.5 is 0.5, 1.5, 0.5, 2.5 and 0.5 is 5.5, 22.5 is 28. Are you getting or not, friends? Means 8 hours तक normal. अगर 8 से ज्यादा काम किया तो 9 तक भी normal है और 9 से ऊपर गया तो double आपको मिलेगा. सही है सुनो. 9 से भी ऊपर गया तो double आपको मिलेगा. ये तो इसमें टोटल पेमेंट कितना आ रहा है, 28 rupees. अब दूसरा ऑप्शन क्या है, ओवरटाइम रेट अप टू 9 hours इन अ डे एट सिंगल रेट. ये मई 22 के आरटीपी में है, था सिमिलर टाइप.
ओवर टाइम रेट अप टू 9 आवर्स इन अ डे एट सिंगल रेट एंड ओवर 9 आवर्स इन अ डे एट डबल द रेट, और सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन 48 आवर्स एट द रेट ऑफ नॉर्मल, इट मीन्स 48 into 0.5 is 24 and overtime 53 minus 48 is 5 hours at double the normal rate 1, it means so 29. So whichever is higher, it means wages payable is 29. Wages payable is 29. Okay friends, इतना प्रैक्टिस करिए, फिर मैं आपको करवाता हूँ. Okay, thank you. Clear हुआ ना friends? बोलो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है. अप टू 8 आवर्स नॉर्मल, अगर आप किसी ने 9 आवर्स काम किया है तो अभी उसको नॉर्मल ओवर टाइम में जाएगा लेकिन नॉर्मल रेट से मिलेगा, और 9 से ऊपर जितने भी आवर्स गए उसमें डबल मिलेगा. सिमिलर टाइप क्वेश्चन आपको मई 22 आरटीपी में भी दे रखा था. मई 22 आरटीपी में भी सिमिलर टाइप आपको क्वेश्चन दे रखा था. ओके okay?